शुरू से इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिए। प्ले लिस्ट ओपन होने के बाद वहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। हर स्टेप में लगभग 25 वीडियोस हैं, तो आपको स्टेप वन से शुरू करना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द पास्ट एंड इन्फिनिट टेंस। हालांकि पास्ट एंड इन्फिनिट टेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, बट आज मैं पास्ट एंड इन्फिनिट के सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ कि पास्ट एंड इन्फिनिट टेंस के अंतर्गत कितने तरह के सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं और बोले जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, पास्ट एंड इन्फिनिट टेंस कोई ऐसी टेंस नहीं है जिसमें एक तरह का रूल्स समझ लिया और पढ़ लिया और आ गया मुझे पास्ट एंड इन्फिनिट टेंस। पास्ट एंड इन्फिनिट टेंस में बहुत तरह के सेंटेंसेज आते हैं जिसको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है और जानना पड़ता है, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है बेहतर और बेहतर करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो अभी शुरू करते हैं कि पास्ट एंड इन्फिनिट टेंस में जो पहला सेंटेंस है वो कैसे बनता है। जैसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, वो स्कूल गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के जो पहले कैटेगरी है वो इस तरह के सेंटेंस आएंगे कि वो स्कूल गया, उसने खाना खा लिया, वो सो गया, वो नहा लिया, वो आ गए, तुम गए, वो आया, वो बैठा। इस तरीके से जितने भी सेंटेंस आ रहे हैं लास्ट में था थे थी नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, इसका एक ही पहचान है कि उसमें लास्ट में या, ये, ई, ई, ए, ए, इस तरह से हो सकता है, जितने भी स्वर हैं आई के उसमें से हो सकते हैं, बट लास्ट में उसके बाद था थे थी नहीं होगा, तो वो होगा पास्ट इन्फिनिट टेंस का सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, तो उसको हम बनाते कैसे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। वो स्कूल गया, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ही वेंट टू स्कूल। सीता गीत गाई, सीता सैंग सॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, ये जो है वी टू है, यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इतना ध्यान रखना आपको। तो सब तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप कि इस तरह के सेंटेंस जब आए लास्ट में थाते थे कुछ ना रहे तो वो पास्ट इन्फिनिट टेंस का सेंटेंस होता है, और उसमें हम सब्जेक्ट के बाद क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप दो सेंटेंस समझ गए तो उसके बाद आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। वे लोग गए, दे वेंट, उन्होंने खेला, दे प्लेड, उन्होंने एक मैच खेला, दे प्लेड अ मैच, उन्होंने कल एक मैच खेला, दे प्लेड अ मैच यस्टरडे, सीता भात खाई, सीता एट राइस, तुमने दूध पिया, यू ड्रैंक मिल्क। बोलते चले जाइए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी दूसरी जो कैटेगरी है वह स्कूल जाता था। अभी कितने सारे स्टूडेंट्स को अभी तक कन्फ्यूज़न होता है कि वह स्कूल जाता था ये पास्ट इन्फिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो हम सीधा ही वेंट टू स्कूल क्यों नहीं बोलते। नहीं फ्रेंड्स, वह स्कूल जाता था पास्ट इन्फिनिट टेंस का सेंटेंस है, बट ये ऐसे पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में बताता है जो आदत में शामिल होता है, जो आदतन हम करते थे, वैसी बातें अगर हम पास्ट इन्फिनिट टेंस में बोलते हैं तो उसके लिए हम ही वेंट ऐसा नहीं बोलेंगे। वो जाता था मतलब ही वेंट नहीं बोलते थे, ही वेंट नहीं बोल सकते हम, वहाँ पर फिर बोलना पड़ता है यूज टू लगाकर कि वह स्कूल जाता था, ही यूज टू गो टू स्कूल, हम लोग खेलते थे, वी यूज टू प्ले। इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं, ता था, ता, ती थी, ते थे, ये जितने भी इस तरह के सेंटेंसेज आएंगे वो सारे के सारे सेंटेंस बनाए जाएंगे यूज टू लगाकर। ओके फ्रेंड्स, हम लोग पेड़ पर चढ़ते थे या चढ़ा करते थे, हम दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से हम हिंदी में बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में एक ही तरीके से बनेगा कि वी यूज टू क्लाइंब अप द ट्री। वह हमें पीटा करता था, यानी कि वो हमें पीटता था, ही यूज टू बीट अस, हम दूध पीते थे, अब नहीं पीते हैं शायद, पहले आदत थी पीने की तो हम दूध पीते थे, वी यूज टू ड्रिंक मिल्क। ध्यान रहे कि इसमें यूज टू लगाने के बाद वर्ब का पहला फॉर्म ही आता है, यहाँ पर सिर्फ यूज टू यानी कि यूज में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यूज लिखा जाता है। ओके फ्रेंड्स, लेकिन इस सेंटेंस को देखिए आप, वह पसंद करती थी, ही लाइक्ड, तो यहाँ पर हमने यूज टू क्यों नहीं लगाया,
अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर जब जाता था ता था है तो ही यूज टू गो टू स्कूल आपने बताया, और यहाँ पर वह पसंद करती थी तो ही लाइक्ड बताया, यहाँ पर यूज टू क्यों नहीं लगाया। बहुत ही सिंपल सा मैटर है फ्रेंड्स, इसको आपको समझना ज़रूरी है कि जब हम किसी भी एक्शन वर्ब की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जाता था जाते थे जाती थी, या आता था आते थे आती थी, वहाँ पर ता था ता थे ती थी आता है, तो वहाँ पर हम यूज टू लगाते हैं। जब नॉन एक्शन वर्ब की हम बातें करते हैं, एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ब जिसमें हम फिजिकली कुछ कर रहे हो, नॉन एक्शन वर्ब जिसमें हम फिजिकली कुछ नहीं कर रहे होते हैं बल्कि मन से कर रहे होते हैं। ओके फ्रेंड्स, माइंड से कर रहे होते हैं उसको हम नॉन एक्शन वर्ब बोलते हैं। जैसे कि लव, लाइक, फील, एंग्री, ये सब जो है फील होना, मतलब ये हम फिजिकली नहीं कर रहे होते हैं बल्कि मेंटली कर रहे होते हैं, तो इसको हम नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं। और जो भी हम काम फिजिकली कर रहे होते हैं उसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं, जैसे प्ले, ईट, रीड, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं हम फिजिकली कर रहे होते हैं उसमें फिजिक्स का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम उसको एक्शन वर्ब बोलते हैं। तो जब भी हम नॉन एक्शन वर्ब की बात करते हैं ऐसे सेंटेंस में तो वहाँ पर यूज टू नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर हम लगाया हमने वो पसंद करती थी शी लाइक्ड, वह तुम्हें पसंद करती थी शी लाइक्ड यू, मैं नफरत करता था आई हेटेड, मैं उससे नफरत करता था आई हेटेड हर, आई हेटेड हिम, आई हेटेड यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अभी उसके बाद है उसने जाना चाहा, इसमें दो वर्ब हैं, जब डबल वर्ब आए पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में तो आप समझ जाना कि ये कैसे बनेगा, ये इन्फिनिटिव वाला होगा। इन्फिनिटिव मतलब जो पहला वर्ब होगा उसमें सेकंड फॉर्म तो लगेगा ही मेन वर्ब में, उसके बाद टू लगाकर जो उसके बाद जो वर्ब आता है उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। जैसे उसने जाना चाहा तो इसमें चाहा जो भी लास्ट में आएगा इसमें मेन वर्ब होता है। ही वॉन्टेड, चाहना मतलब वॉन्ट, तो वॉन्टेड हो गया सेकेंड फॉर्म। टू गो, यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे बट टू ज़रूर लगाएंगे। वे लोग मिलना चाहे, दे वॉन्टेड टू मीट। अब इसमें सिर्फ चाहा चाहे ही नहीं हो सकता है, इसमें हम कुछ और भी बोल सकते हैं। जैसे उसने जीतने की कोशिश की, ही ट्राइड टू विन, तुमने मुझे जान से मारना चाहा, यू वॉन्टेड टू किल मी। ओके फ्रेंड्स, लगा लगे लगी वाले सेंटेंस जिसमें लास्ट में यानी अंत में लगा लगे लगी रहता है, वह जाने लगा, वह जाने लगा, वह हंसने लगा, तुम हंसने लगे, वो खेलने लगा, तुम रोने लगे, इसमें लगा लगे आए, फिर वैसे सेंटेंस को हम ऐसे बनाते हैं स्टार्ट या बिगिन लगाकर। तो यहाँ पर स्टार्ट या बिगिन का सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, जैसे वह जाने लगा, ही स्टार्टेड या बिगेन टू गो। ओके फ्रेंड्स, तुम हंसने लगे, यू स्टार्टेड या बिगेन, दोनों में से हम कोई एक इस्तेमाल करेंगे टू लव। इसी तरीके से हम सेंटेंस बनाते चले जाएंगे, वह खेलने लगा, ही स्टार्टेड टू प्ले, वह आने लगा, ही स्टार्टेड टू कम, तुम रोने लगे, यू स्टार्टेड टू वीप। हम स्टार्टेड की जगह पर बिगेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको हम दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। अगर हम टू नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर आईएनजी लगा सकते हैं हम, जैसे ही स्टार्टेड गोइंग, ही यू स्टार्टेड लाफिंग। अगर यहाँ पर हम टू नहीं लगाते हैं तो आईएनजी लगाकर बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी आगे है, वह फिल्म देखता रहा, ता रहा, ते रहे, ती रही, मतलब कोई भी काम करता रहा कंटिन्यूसली, उस पर से उसकी नज़र नहीं हटी, वही काम करता रहा, वो एक्शन जो कर रहा था वही करता रहा, कुछ और नहीं किया उसने। तो वैसे सेंटेंस में हम कीप लगाकर बनाते हैं और कीप का हम सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे वह फिल्म देखता रहा, ही कीप्ड ऑन वॉचिंग मूवी, वे लोग खेलते रहे, दे कीप्ड ऑन प्लेइंग। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से जितना भी, वह हंसता रहा, ही केप्ट ऑन लाफिंग, तुम रोते रहे, यू केप्ट ऑन वीपिंग या क्राइंग। ओके फ्रेंड्स, वह खाती रही, शी केप्ट ऑन ईटिंग। इस तरीके से इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस होंगे हम इसको ऐसे ही बनाएंगे और बनाते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा आसान होगा बोलने में और कहीं भी यूज़ करने में। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आने वाले सारे सेंटेंसेस, हर तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को देखते वक्त लाइक किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए, और फ्रेंड्स
आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश सीखना चाहते होंगे, जिनको इंग्लिश सीखने की चाहत होगी और उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा होगा, या उनके पास पैसे नहीं होंगे कि क्लासेस ज्वाइन कर सके, या उनके पास टाइम अवेलेबल नहीं होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वैसे लोगों तक जो आपके करीबी हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके पहचान हैं, आप उनकी मदद कीजिए और उन तक ऐसे वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।